वेलकम टू गाड़ी वाला। और आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं किया की एक और कार जो कि रहने वाली है सोनेट। सोनेट के अपन दो कलर हैं अपने सामने। ये अपना एसटी के ऑप्शनल वेरिएंट है, ये अपना ब्लैक कलर आप देख लीजिए, और राइट साइड में अपना व्हाइट कलर भी खड़ा हुआ है। ये अपना व्हाइट है, ये भी वही अपना एसटी के ऑप्शनल है। पेट्रोल वेरियंट रहने वाला है ये अपना। ये वाली और ये वाली दोनों कार सेम है, जस्ट द डिफरेंस इज अबाउट द कलर। तो अपन ब्लैक वाले कलर का रिव्यू करते हैं, व्हाइट वाले का अपन किसी और दिन करेंगे। और ये ब्लैक वाला देख लेते हैं, जिसका एक्स शोरूम प्राइस रहने वाला है 938,900, और अपना ऑन रोड प्राइस रहने वाला है 1075,900। तो ये अपना ओवरऑल रहने वाला है अपना प्राइस वगैरह। अब अपन चलते हैं अपना इंजन स्पेक्स और इस पर आ जाते हैं। तो 1500 cc में रहने वाली है अपनी, मैनुअल ट्रांसमिशन गेयरबॉक्स के साथ में रहने वाली है अपनी। एसटी के ऑप्शनल वेरिएंट रहेगा, जो कि काफ़ी सेल हो रहा है, मोस्ट सेलिंग वेरिएंट बोल सकते हैं अपन इसको, क्योंकि इसमें एलॉय व्हील के साथ में जो ब्लैक स्पोर्टी फिनिश आता है इस कलर में, मेटलिक कलर है ये, बहुत अच्छा दिखता है, एक लुक, एक अलग स्लीक डिज़ाइन देता है गाड़ी को। तो ये अपन ऐसा कुछ फ्रंट से व्यू मिलने वाला है अपना गाड़ी का, आप देख लीजिए। और मैं आपको व्हाइट वाले का भी वॉक अराउंड दे देता हूँ, साथ में आपको इसके साथ में व्हाइट वाले का भी दिखा देता हूँ। ये अपन को साइड से ऐसा कुछ व्यू मिलने वाला है एसटी के ऑप्शनल वेरिएंट का। देन अपन रियर पे आ जाते हैं। रियर में अपन को एज यूजुअल किया की बैजिंग, सोनेट की बैजिंग, नीचे नंबर प्लेट वगैरह, पीछे अपना DRL कनेक्टेड, हेडलाइट वो सॉरी अपनी ब्रेक लाइट रहने वाली हैं, जो कि कनेक्ट दिख रही होंगी आपको। और अपन आ जाते हैं अब साइड से। तो साइड से हमें एज यूजुअल वही कुछ ऐसा लुक मिलने वाला है अपना एसटी के ऑप्शनल वेरिएंट। अब अपन व्हाइट कलर में देख लेते हैं, आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन टू गाड़ी वाला। ये अपना व्हाइट कलर रहने वाला है एसटी के ऑप्शनल वेरिएंट का। और ऐसा कुछ रहने वाला है अपना साइड से व्यू। फ्रंट से आप देख लीजिए, पेट्रोल वेरिएंट है ये अपना, और इसका प्राइस वगैरह जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी 938,900 एंड 1075 अपना ऑन रोड रहने वाला है, 1075,900। ये फ्रंट से ऐसा कुछ रहने वाला है सोनेट की बैजिंग, साइड से ऐसा कुछ व्यू मिलने वाला है अपना सोनेट का। देन अपन रियर देख लेते हैं, रियर से कैसा लुक रहेगा अपनी गाड़ी का। ये रहने वाला है अपना रियर से। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं तो की पे आ जाते हैं, अपना की देख लेते हैं। ये अपनी ऐसी कुछ की रहने वाली है किया सोनेट एसटी के ऑप्शनल वेरिएंट की। एज यूजुअल कैरेंस की जो की थी वही की रहने वाली है, सेम रहेगी। कैरेंस भी मैंने आपको दिखाया था कल वीडियो, आप देखी होगी, तो किया कैरेंस डाली थी मैंने वॉक अराउंड। यहाँ आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगी कैरेंस की, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो की देख लेते हैं, नॉर्मल की रहने वाली है अपनी, और की के साथ में अपना बटन फंक्शनिंग भी रहने वाली है। तो लॉक अनलॉक एंड अपना बूट स्पेस ओपन। तो सबसे पहले गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं और देखते हैं अपन को तो कैसा रहने वाला ना इंटीरियर। इंटीरियर में चलते हैं, इंटीरियर चेक करते हैं अपना। तो गाड़ी को अनलॉक करते हैं और अंदर इंटर करते हैं गाड़ी के अंदर। तो मैं बोलूँगा गेट ओपन करने के बाद, लाइक गेट ओपन कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 70-80 degree गेट अपना ओपन हो रहा है, काफ़ी इजी टू एंटर है गाड़ी के अंदर। और जो अपना इंटीरियर फिनिश बोलूँगा, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ब्लैक कलर के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि हल्का सा ग्रेश और लाइक डल फिनिश जा रहा है, तो ये अच्छा सूट कर रहा है। अब अपन आ जाते हैं इंटीरियर में, और मैं ये बोलूँगा लाइक मुझे बैठने के बाद में काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। ये डिस्प्ले है जो अपना देख पा रहे होंगे आप, डिस्प्ले है यूजुअल ऐसा कुछ डिस्प्ले मिलने वाला है अपना फ्रंट में रहेगा। ये अपना 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल वेरिएंट है एसटी के ऑप्शनल। और डिस्प्ले को अपन ऑन कर लेते हैं, गाड़ी को ऑन कर दिया अपन ने। और ये रहने वाला है अपना कुछ ऐसा व्यू, और ये रहेगी अपनी कार। और डिस्प्ले को ऑन करके बता देता हूँ मैं आपको, और डिस्प्ले अपना ऑन हो चुका है। ये अपना कुछ रहने वाला है डिस्प्ले। और इंजन साउंड में बोलूँगा काफ़ी नॉर्मल है, इंजन साउंड मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है अंदर कैबिन के अंदर, नो इंजन साउंड है। लाइक स्टार्ट करने के बाद मुझे कोई साउंड नहीं आ रहा है। पेट्रोल की एक अच्छी बात होती है, इंजन साउंड नहीं आता है गाड़ी में। और ये अपना ऑफ कर देते हैं इंजन को। अब अपन आ जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम पे। इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन है जो इसकी काफ़ी बड़ी लगी मुझे, नॉर्मल टू किया टू कंपैरिजन, लाइक थोड़ी सी बड़ी लग रही है बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन बटन। और ये बटन है जो बटन थोड़ी से साइड में दे रखे हैं, उसमें अपना जो बटन रहते हैं वो नीचे साइड प्लेस किए गए हैं, तो इससे ये चीज़ स्क्रीन की प्लेसमेंट है वो बड़ी लगने लगती है। और साथ में कनेक्टेड डिस्प्ले के साथ में स्क्रीन लगती है, तो और अच्छा डिज़ाइन सीक डिज़ाइन देती है। ये थोड़ी इंप्रूव लगा मुझे कैरेंस से। और ये अपना यूजुअल पार्किंग स्टॉप बटन, और ये अपने सारे फंक्शनिंग एसी के रहने वाले हैं, रियर फ्रंट और इंटीरियर वगैरह, क्लाइमेट चेंज वगैरह, ऑफ एसी ऑफ। और ये अपना फ़ैन की मेंटेन कर सकते हैं स्पीड, एसी ऑन ऑफ ऑटो, और ये अपना एसी टेम्परेचर वगैरह मेंटेन यहाँ से कर सकते हैं। वेंट्स रहने वाली हैं जो राइट साइड में रहेंगी, लेफ्ट में अपन को एसी वेंट्स यहाँ मिल जाएंगी। और ये अपना एयरबैग की प्लेसमेंट, लेफ्ट में भी एसी वेंट्स रहेंगी। ये अपना ग्लव बॉक्स रहने वाला है, जो मैं बोलूँगा कैरेंस से मुझे
इक्वली लगा, कोई रिजल्ट डिफरेंस नहीं है। और ये अपना नॉर्मली देख पा रहे होंगे आप बैटरी डिस्चार्ज वार्निंग की नोटिफिकेशन, ये लाइक एक नॉर्मल टैक में ये काफ़ी अच्छा है कि लाइक आप कभी ऑन करके भूल जाते हैं तो ये वार्निंग देता है कि लाइक आप बैटरी वगैरह ऑफ कर लीजिए। ये अपनी स्टेयरिंग रहने वाली है, लेफ्ट साइड वही अपने ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑडियो FM, रेडियो कनेक्टिविटी, कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट सब कुछ रहने वाला है, वॉल्यूम रॉकर। लेफ्ट में अपने अपने वाइपर कंट्रोल्स रहेंगे, राइट में अपने हेडलाइट कंट्रोल्स रहने वाले हैं, ये अपने वॉल्यूम अप डाउन और कंट्रोल्स रहने वाले हैं। राइट साइड में आ जाते हैं तो अपना ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग असिस्टमेंट और ये अपना ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑफ और लाइक ये अपना हेडलाइट कंट्रोलर रहने वाले हैं, लेवल कंट्रोलर। और यहाँ अपना लॉक अनलॉक सारे डॉक मतलब गेट्स के ऑपरेशनल यहाँ रहने वाले हैं, राइट अपने ड्राइवर साइड में ये अपना गेट लॉक अनलॉक। और एक चीज़ मैं बोलूँगा, अपनी गेट की जो फिनिश है लाइक ये क्रोम फिनिश देता है जो साथ में अपना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लाइक एक अलग सा वो देता है कि लाइक हाँ ये यहाँ पे आपका हैंडल है, पूरे गेट में एक हाईलाइट होता है ये चीज़, तो ये चीज़ मैं काफ़ी अच्छी बोलूँगा। यहाँ पे आपका ग्रैब हैंडल रहने वाला है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो काफ़ी अच्छा फील कर रहा है। नीचे आपका बॉटल होल्डर है, थोड़ा स्पेस जहाँ आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ अपन का रिव्यू रहने वाला है फ्रंट से। और ये अपना IRVM रहने वाला है, मैनुअली एडजस्टेबल। ऊपर अपना सनग्लास होल्डर मिल जाएगा अपन को, ये अपन को लाइट कंट्रोल्स, LED, हेलोजन लैंप रहने वाले हैं अपने ऑटो ऑन ऑफ, और ये अपना सनवाइज़र रहने वाले हैं और सनवाइज़र विथ मिरर रहेगा लेफ्ट साइड में, वैनिटी मिरर। और ये अपना टिकट होल्डर रहने वाला है राइट साइड में। ऊपर अपन को एज यूजुअल सेम कैरेंस के जैसे ही अपन को एक ये रहने वाली है सनरूफ, जो कि छोटा है कैरेंस के इक्वली है। मैं ये बोलूँगा कैरेंस से थोड़ी कम है इसकी हाइट, कैरेंस थोड़ी ज़्यादा लगती है हाइट में बिकॉज ऑफ 7 सीटर और लाइक उस सेगमेंट की गाड़ी, एक अलग सेगमेंट में। ये 5 सीटर में काफ़ी अच्छी गाड़ी है और मोस्ट सेलिंग वेरिएंट बोलूँगा ST का ऑप्शनल ब्लैक कलर में काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा है, उसी का आज हम वॉक अराउंड रिव्यू कर रहे हैं। और अब अपन चलते हैं अपना सनसेट देख लेते हैं। ये रहने वाला है अपना मिरर और इसको अपन ओपन कर लेते हैं सनरूफ को। सनरूफ ओपन करने के लिए यहाँ से बटन रहेगा, ये ऑप्शनल रहेगा, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ये आपका मैनुअली रहेगा, स्लाइडेबल आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके बाद अपन आ जाते हैं अपना नीचे साइड में, तो यहाँ आपको एक छोटा सा फ़ोन स्पेस रहेगा फ़ोन वगैरह रखने के लिए। 12 वोल्ट 80 180 वॉट सॉकेट रहेगा, एक टाइप सी एक USB सॉकेट, दोनों अपन को सॉकेट मिलने वाले हैं, दो रहेंगे आपके पास। और 180 वॉट अपना सपोर्ट रहेगा 12 वोल्ट सॉकेट में। तो ये ऐसा कुछ मिलने वाला है अपना इंटीरियर व्यू ऑफ किया कैरेंस ST के ऑप्शनल वेरिएंट, जिसका ऑन रोड प्राइस रहेगा 10,75,900। और ये अपना रहेगा हैंड ब्रेक, ये अपना रहेगा आर्म रेस्ट जो कि नॉन स्लाइडेबल है, थोड़ा सा स्पेस है यहाँ भी आप कुछ भी रख सकते हैं। ये अपना फ्यूज़ बॉक्स वगैरह का है, फ्यूज़ वगैरह रखा है इसमें एक ये। और ये रहेगा अपना किया कैरेंस का अपना आर्म रेस्ट। और मैं सीट कंफर्टेबिलिटी की बात कर लेता हूँ, तो साइड से काफ़ी कुशन सपोर्ट है और लाइक काफ़ी अच्छा है और लाइक ये देख पा रहे होंगे आप थोड़ा ये जो कंफर्टेबिलिटी, सीट की कंफर्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। लेफ्ट में अपनी सीट बेल्ट प्लेसमेंट रहेगी, राइट में भी वही तो सेम सीट बेल्ट प्लेसमेंट मिल जाएगी। हेडरूम स्पेस की बात करें तो मैं काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हूँ और लाइक मेरा हेडरूम अभी टच नहीं हो रहा है। और इवन सीट की बात कर लूँ तो सीट काफ़ी ऊंची होगी अभी, लाइक सीट को आप नीचे भी प्लेस कर सकते हैं चाहें तो, लाइक अभी सीट काफ़ी ऊपर है और इसका एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी स्टेयरिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं, स्टेयरिंग एडजस्टमेंट का यहाँ पर रहने वाला है फंक्शन ये लेफ्ट साइड में। तो स्टेयरिंग अपन को अप डाउन एडजस्टमेंट बस मिलेगा, लेफ्ट राइट एडजस्टमेंट नहीं मिलने वाला है। और ये रहेगा अपना इंटीरियर से। अब अपन चलते हैं बैक में और बैक से कुछ कैसा कुछ व्यू मिलने वाला है वो चेक करते हैं और देखते हैं बैक में। बैक में एंट्री करके देख लेते हैं बैक में कैसा कुछ व्यू मिलने वाला है गाड़ी का। तो बैक में पैसेंजर्स का भी पूरा ध्यान रखा गया है और काफ़ी इजी टू एंटर है गाड़ी के अंदर, मैं बैठ गया हूँ और ऐसा कुछ व्यू मिलने वाला है हमें बैक से। ऊपर अपना हेलोजन लैंप रहने वाला है जो कि मैनुअली ऑपरेशनल रहने वाला है। और ये अपना ग्रैब हैंडल्स रहने वाले फ्रंट एंड रियर और राइट में भी रहने वाला है विथ अपना हुक रहने वाला है। और लेफ्ट में अपना जो है ये अपन को एक चीज़ अच्छी है किया में हर गाड़ी में ये कर्टेंस का ऑप्शन देते हैं। कर्टेंस काफ़ी हेल्पफुल होते हैं लाइक आप जब कभी भी शन वगैरह में ड्राइव करते हैं तो लाइक आपको काफ़ी इजी होते हैं और ये गाड़ी के साथ में काफ़ी अच्छे लगते हैं, एक अप स्टेप करते हैं दूसरे ब्रांड से, क्योंकि हर गाड़ी को हर कंपनी को ये ब्रांड्स को ये देना चाहिए, इतना पैसा ले रहे हैं भाई देना चाहिए, ये चीज़ वर्थ इट है। और लाइक इससे थोड़ा एक अलग प्रीमियम फील भी आता है गाड़ी के अंदर। ये अपना वही नॉर्मली बॉटल होल्डर, ग्रैब हैंडल और गेट लॉक अनलॉक फंक्शन, विंडो अप डाउन और यहाँ एक छोटी सी मिरर विंडो रहने वाली है जहाँ से आप थोड़ा सा व्यू देख सकते हैं। लेफ्ट में अपना अपनी सीट बेल्ट रहने वाली है, फ्रंट में भी एक सीट बेल्ट रहने वाली है क्योंकि 5 पैसेंजर कार है, तीनों पैसेंजर का पीछे ध्यान रखा गया है, 3 पैसेंजर काफ़ी इजी बैठ सकते हैं। और मैं थाई सपोर्ट की बात करूँ, थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, कोई इशू नहीं है, नॉर्मली काफ़ी अच्छा है।
और ये आपके एसी वेंट्स भी दिए गए हैं पीछे पैसेंजर्स के लिए। नॉर्मली दो टाइप सी पोर्ट्स भी हैं, लाइक यहाँ आप चार्जिंग वगैरह लगा सकते हैं। और ये कुछ अपना रहने वाला है ऐसा व्यू। और अब अपन हेडरूम स्पेस की बात कर लें बैक में, तो बैक में आप हेडरूम स्पेस देख पा रहे होंगे कितना कुछ है, गुड इनफ बोलूँगा, मुझे कोई टच नहीं हो रहा है। लाइक और मैं कर्व में लास्ट टाइम मैं बैठा था, कर्व में मैंने देखा था लाइक कर्व में मेरा सर टकरा रहा था, तो कर्व में सब कुछ अच्छा, लेकिन कर्व में एक चीज़ वो दिक्कत है, ड्रॉबैक है कि लाइक उसका पीछे पैसेंजर्स की जो हाइट हेडरूम स्पेस है वो काफ़ी कम है। यहाँ मुझे गुड इनफ लगा हेडरूम स्पेस, काफ़ी अच्छा है। और ये देख पा रहे होंगे आप इस प्राइस सेगमेंट में ये गाड़ी वर्थ इट है। और क्या चाहिए यार, किया एक वन स्टेप फ्यूचरिस्टिक फंक्शनिंग देता है, लाइक सब चीज़ें जो इंटीरियर लुक है वो देखिए आप कितना क्लासी दिख रहा है, और ये सब रहने वाला है। अब अपन चलते हैं बैक में और बैक से दिखा देता हूँ आपको बूट स्पेस। अब अपन पीछे चल के बूट स्पेस ओपन कर लेते हैं, बूट स्पेस चेक कर लेते हैं, बूट स्पेस कितना कुछ मिलने वाला है, जो कि है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अपना बूट स्पेस ऑन कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, और ये अपन को ऐसा कुछ बूट स्पेस मिलने वाला है अपना STK ऑप्शनल वेरिएंट में। और नीचे देख पा रहे होंगे आप, और काफ़ी बड़ा बोलूँगा मैं गुड इनफ, और लाइक आप चाहें तो इस सीट को फोल्ड करके आगे फोल्ड करके यहाँ से पुल करके और सीट फोल्ड करके आप आगे भी इसको यूज़ कर सकते हैं पूरा स्पेस। और यहाँ पे एक ट्रे रहने वाली है, ट्रे को आप यहाँ से मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। ये ट्रे के नीचे एक स्पेयर व्हील रहने वाला है जो कि सेम रहेगा। अपन टायर साइज़ की बात कर लेते हैं, राइट साइज में अपना हुक रहने वाला है, और ये अपना रहने वाला है एज यूजुअल बूट स्पेस, जिसका स्पेक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अपन बूट स्पेस क्लोज करते हैं और अपन चलते हैं फ्रंट में, जो कि इंजन स्पेक्स चेक करते हैं, बोनट ओपन करते हैं। अब अपन देख लेते हैं एक चीज़ और, टायर साइज़ क्या रहने वाली है, जो कि 215/60 16 इंच का टायर रहने वाला है, विथ अलॉय व्हील आएगा, डायमंड कट अलॉय व्हील आने वाले हैं। देख पा रहे होंगे आप 215/60 16 इंच टायर प्रोफाइल रहने वाली है। अपन बोनट ओपन कर लेते हैं, बोनट ओपन करके इंजन भी चेक कर लेते हैं, इंजन में कैसा कुछ स्पेसियस मिलने वाला है। यहाँ आपको रहने वाला है बोनट ओपन करने के लिए सॉकेट, और यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। और यहाँ आपको लीवर को पुल करके आप बोनट में, बोलूँगा काफ़ी हैवी लगा मुझे, लाइक कैरेंस से थोड़ा इक्वली लगा, मैं 19-20 बोलूँगा, लाइक काफ़ी हैवी है बोनट भी। और ये अपन का बोनट ओपन करने के बाद आप देख पा रहे होंगे वॉशर वगैरह, और ये अपना ट्रे वगैरह, ये कूलेंट, और ये वार्निंग वगैरह सारे फंक्शनिंग, बैटरी, फ्यूज बॉक्स, इंजन रहने वाला है 1500 cc का इंजन रहने वाला है भाई गाड़ी में, क्या चाहिए। और बहुत पावरफुल इंजन है, लाइक मैं बोलूँगा किया में एक चीज़ अच्छी है, स्पीड, टॉर्क और सब चीज़ें, ये चीज़ें अच्छी दी गई हैं। और ये अपना कूलेंट और वाइपर वाटर सब कुछ की प्लेसमेंट रही, थोड़ा स्पेस लग रहा है मुझे इंजन में, लाइक आप देख पा रहे होंगे नीचे से, आपको नीचे आपको फ्लोर दिख रहा होगा, यहाँ भी स्पेस, पूरा ओपन टाइप का इंजन है ताकि काफ़ी खुला रहे, ठंड ना रहे इंजन। और ये रहने वाला है अपना बोनट, गाड़ी का बोनट क्लोज करते हैं, और ऐसा कुछ रहने वाला है अपना व्यू ऑफ फ्रंट, किया सोनेट STK ऑप्शनल वेरिएंट, ब्लैक कलर में रहने वाली है, वाइट कलर में राइट में खड़ी हुई है, सेम साइज़ सेम सब कुछ रहने वाला है, वही रहेगा, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इज अबाउट द कलर। तो कौन सा कलर आपको अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट कीजिए अपना फेवरेट कलर ब्लैक और वाइट दोनों में से बताइए। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन टू गाड़ी वाला। फ्रंट में आप देख पा रहे होंगे ये अपनी लाइट रहने वाली है, लाइट की प्लेसमेंट, इंडिकेटर, फॉग लैंप, DRL सब कुछ प्लेसमेंट बढ़िया है। नीचे अपना बोनट के नीचे रहने वाली है ग्रिल, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, लुक के साथ में काफ़ी मैच हो रही है। और लाइक नीचे अपना ये किया के नीचे सिल्वर क्रोनिक फिनिश के साथ में ग्रिल रहने वाली है। तो वीडियो को एंड करते हैं, दैट्स इट फॉर द वीडियो, किया सोनेट STK ऑप्शनल वेरिएंट, कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए, मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन टू गाड़ी वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लेके आएंगे अपनी सेल्टोस का वॉक अराउंड रिव्यू, दोनों को सब कुछ देखेंगे हम, डिटेल में कंपेयर करेंगे। और आप अगर चाहें तो मैं इसका और लाइक आप कमेंट में बताइए कि किस वेरिएंट का आप कंपैरिजन चाहते हैं, तो मैं स्पेसिफिक वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो भी लेके आ सकता हूं आपके लिए। तो ये रहने वाली है कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ किया सोनेट STK ऑप्शनल वेरिएंट। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जय श्री राम।